उनको बोलो कि उनकी पंजाब की बीजेपी है उसका क्या स्टैंड है, पूछो जरा उनको, बोलो जरा पंजाब के बीजेपी के लीडर बयान दें कि हरियाणा को पानी देना है, बोल सकते हैं सर हमारे पास नहीं है, हम तो पानी होता तो हम दे देते, हम पानी नहीं है मेरे पास यार क्या दे आपको बोलिए, हम कहां से दे, हम तो वंड के खाने वाले लोग हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, गुरु नानक के सिख हैं, गुरु नानक ने क्या वंड के खाओ, पर हुण है नहीं, जो देश नूं अनाज की लोड़ सी असी वंड के खाता नहीं, देश नूं अनाज दिता नहीं, कि गल तो पंजे देश तो हरियाणा तो साडा छोटा भाई है पंजाब का, कोई ऐसी बात नहीं है, बस हमारे पास पानी नहीं है सर हम नहीं दे सकते। बहन जी मंत्री है, उन्होंने हमें टाइम दिया था, मेरे साथ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के शिवा प्रसाद जी वो भी आए थे, और हमारा मेन इशू था कि हमारा मनरेगा का एक 450 करोड़ रुपये जो बैलेंस था, तो पहले भी हमने पैरवाई की काफ़ी, तो जब हमने टाइम मांगा तो मैडम ने पहले 5 सितंबर को 188 करोड़ रुपये जो रिलीज कर दिया, तो आज जो हम उनको बोलने आए थे कि भाई 262 करोड़ रुपया और है वो भी हमें दो ताजो पंजाब का विकास हो सके, तो इस चीज़ से सहमत हो गए, उन्होंने कहा मैं जल्दी इसको भी रिलीज कर दूँ। लेकिन जिस तरीके से जो जानवरों की मौत पर नहीं, कोई चर्चा नहीं, परमात्मा की कृपा हो गई है, काफी कम हो गया हमारी का जो क्रोध था कम हो गया, कल हमारी मंत्री समूह की मीटिंग है चंडीगढ़ में, सरदार हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में एक कमेटी बनी, मैं भी मेंबर हूँ और साढ़े लालजीत सिंह बुंदला वो भी मेंबर है मंत्री, तो कल हम डिसाइड करेंगे कि कितना हुआ क्या हुआ उसका आगे क्या करना, उस मीटिंग में हम तय करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप पंजाब के मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, क्या लगता है कि आरोप जो है वो सही है, क्योंकि आज मेरा ख्याल है कि बीजेपी को पंजाब की चिंता नहीं करनी चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब की चिंता कर रहे हैं, पंजाब के हर मुलाजिम को तनख्वाह मिलेगी, मैंने पहला भी बताया कई बार जब चेक वगैरह आता है बैंक में कोई एक दो दिन लेट हो जाता, ऐसी कोई नहीं है कि उधर कोई वित्तीय हालात खराब है, कोई ऐसी गल नहीं, हम सबको तनख्वाह देंगे टाइम पे देंगे, कोई चक्कर नहीं है, बीजेपी को पंजाब की चिंता छोड़ देनी चाहिए, लोगों ने उनको रद्द किया हुआ है, इस करके जिनकी सरकार है हमारी सरकार है हमें चिंता है, कोई बात कब तक मुलाजिमों को सैलरी मिल जाएगी, ना मिल जाएगी एक दो दिन में, तो कई बार बैंकों में चेक वगैरह लग जाते हैं लेट हो जाते हैं क्लियर नहीं होते, तो उसके कारण हो गया होगा, वरना हम हर महीने बिल्कुल सही टाइम पे तनख्वाह देते। बीजेपी SIL को लेकर भी जो है सवाल आप लोगों पर खड़ी कर रहे हो, क्या तो क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में अलग स्टैंड है हरियाणा में अलग है, आप क्या कहेंगे उनको, बोलो कि उनकी पंजाब की बीजेपी है उसका क्या स्टैंड है, पूछो जरा उनको, बोलो जरा पंजाब के बीजेपी के लीडर बयान दें कि हरियाणा को पानी देना है, बोल सकते हैं वो कैसे बोल सकते, सर हमारे पास नहीं है, हम तो पानी होता तो हम दे देते, हम पानी नहीं है मेरे पास यार क्या दे आपको बोलिए, हम कहां से दे, आप बार बार यही सवाल कर रहे हो, सर पानी नहीं है पंजाब के पास, हम तो वंड के खाने वाले लोग हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, गुरु नानक के सिख हैं, गुरु नानक ने कहा वंड के खाओ, पर हुण है नहीं, जो देश नूं अनाज की लोड़ सी असी वंड के खाता नहीं, देश नूं अनाज दिता नहीं, कि गल तो पंजे देश तो हरियाणा तो साडा छोटा भाई है पंजाब का, कोई ऐसी बात नहीं है, बस हमारे पास पानी नहीं है सर हम नहीं दे सकते, क्या इसको सरकारें बैठकर मसले को हल करना चाहिए, नहीं वो तो सेंट्रल की ड्यूटी बनती है, केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है बैठ के हल करें, तो नहीं करते जो लोग हमें बोलते हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक टाइम पे बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, बीजेपी पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, तीनों जगह पे इनकी सरकार थी, एक टाइम था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में हुडा की सरकार थी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार, क्या किया उन्होंने, क्या कुछ बातें करते हैं सर, सियासत करते हैं। अच्छा मेरा आखिरी सवाल यह है कि SIT को लेकर जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल कल पेश हुए उन्होंने कहा कि मैं पाक साफ इतने वेट करो इतने SIT की रिपोर्ट आने फिर करेंगे।